Good morning, student. Myself Chirag Sukani from Rockhill College, Vapi, and I'm going to teach you financial management subject. And we will continue our chapter, that is capital budgeting, and in that, there is a calculation part. Now, next method, internal rate of return method. Now, these sums exam mein jyada nahi pucha jata, but aapke theory mein hai internal rate of return method. Okay, discounting technique, net present value method, internal rate of return method and profitability index method. So internal rate of return ka theory maine bhej diya. What is internal rate of return? It is a rate of discount where present value of the inflow and the investment are equal. Mane kitne rate pe present value of the inflow and the investment equal hoga. Okay, and generally this internal rate of return can be found out with the help of trial and error method. ओके सो ट्रायल एंड एरर मेथड आप मतलब ट्राई करते जाना है. कब तक ट्राई करना है? जब तक आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द इनफ्लो एंड आउटफ्लो आर इक्वल. सो जनरली इन केस ऑफ ट्रायल एंड एरर मेथड वी कैन गेट टू डिस्काउंटेड एंड इन बिटवीन टू डिस्काउंटेड द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कैन बी फाउंड आउट विद द हेल्प ऑफ वन फॉर्मूला. और फॉर्मूला भी हम लोग ने पढ़ा था, दैट इज ए प्लस सी अपॉन सी प्लस डी इंटू बी माइनस ए करके. ओके सो हम लोग आज इसका सम्स कैलकुलेट करते हैं. चलो 11 नंबर सम. बाय इन्वेस्टिंग रुपीज 50,000 इन अ प्रोजेक्ट द कैश फ्लो अवेलेबल फॉर 5 इयर्स इज एज फॉलो. फाइंड आउट इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न. सो ईयर 1, 2, 3, 4, 5 एंड कैश फ्लो फॉर ईयर वाइज इज गिवन. ओके सो आपको IRR कैलकुलेट करना है. क्लियर? नाउ IRR को कैलकुलेट करने के लिए मैंने एक दैट इज ट्रायल एंड एरर मेथड का थोड़ा थियरी आपको समझाया था. सो फर्स्ट वी हैव टू सिलेक्ट सम आर्बिट्री रेट ऑफ डिस्काउंट एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस रेट वी हैव टू फाइंड आउट द प्रेजेंट वैल्यू कंपेयर इट विद द इन्वेस्टमेंट. ओके अगर आपका इन्वेस्टमेंट इज लो एंड द प्रेजेंट वैल्यू इज हायर सो अनदर सम हायर रेट ऑफ डिस्काउंट इज एज्यूम. Again, we have to find out present value, compare it with the investment. So, this process is continue till present value of the investment and the, present value of the cash flow and the investment are equal. Okay. So, aaj hum log uska practical sums karte hain. So, answer number 11. So, first of all, here, IRR method hai na. So, here, the rate of discount or rate of interest is not given. IRR method में rate of interest नहीं दिया जाता है. Okay, so we use trial and error method. So we try to equate present value of investment with present value of cash inflows. Okay, so here firstly we try at 10% rate of interest. कोई भी एक आर्बिट्ररी रेट ऑफ इंटरेस्ट सिलेक्ट कर देना है. सो जनरली 10% आपको यूज करना है. इट इज कॉल्ड एज व्हाट डिस्काउंट रेट. ओके एंड फाइंड आउट प्रेजेंट वैल्यू. क्लियर? सो प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम लोग एनपीवी यूज करना है. सो ईयर देन कैश फ्लो देन डिस्काउंट करना है. सो डिस्काउंट यहाँ पे कितना परसेंटेज यूज करना है? 10% एंड देन प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करना है. सो ईयर 1, 2, 3, 4, 5 ईयर वन का कैश फ्लो 22,000 है, सेकंड ईयर का 18,000, थर्ड ईयर का 14,000, फोर्थ ईयर का 16,000 एंड 10,000. क्लियर? नाउ यहाँ पे डिस्काउंट वैल्यू नहीं दिया है. सो मैंने आपको बोला है कैसे फाइंड आउट करना है, 1/1 r^1. ओके सो 1/1 r कितना है? 10% r^1. ओके सो 1/1.1 आएगा.
क्लियर। सो 1/1.1 करो, पॉइंट के बाद 3 डिजिट यूज करना है, 0.909। आया, मैंने बोला है ना कोई सम्स में आपको नहीं देते तो ऐसे करना है, 1010.909। अब इस सेकंड ईयर के लिए क्या करना है, इक्वल टू खाली प्रेस करना है 0.826। अगेन इक्वल टू प्रेस करो 0.751। अगेन इक्वल टू प्रेस करो 0.683। अगेन इक्वल टू प्रेस करो 0.621। आया समझ में? क्लियर। फाइव का हो गया प्रेजेंट वैल्यू, सो 22,000 × 0.909, सो 19,998। 18 × 0.826, 14,868। 14,000 × 0.751, 10,514. 16 × this, 10,928, and this 6,210. सो आपका टोटल ऑफ पीवी आएगा 62,518। क्लियर। सो एनपीवी क्या होगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो माइनस आउटफ्लो, दैट इज इन्वेस्टमेंट। ओके, सो 62,518 माइनस इन्वेस्टमेंट कितना है सम्स में, 60,000 है। सो टोटल पॉजिटिव, आपका पॉजिटिव एनपीवी है, दैट इज एक्सेस ऑफ प्रेजेंट वैल्यू हुआ, एक्सेस ऑफ प्रेजेंट वैल्यू। क्लियर। नाउ यहाँ पे इक्वल नहीं आया ना, आपका इक्वल आना चाहिए, तो अगेन वी हैव टू ट्राई अनदर रेट। सो हियर एज द टू वैल्यूज, एज द टू वैल्यूज आर नॉट इक्वल, नहीं आया, एंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो एक्सीड, एक्सीड यानी हायर आया, एक्सीड द इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट से ज्यादा आया, सो वी विल ट्राई सम हायर, सॉरी वी विल ट्राई अनदर हायर रेट ऑफ डिस्काउंट, अनदर हायर रेट ऑफ डिस्काउंट से, अभी मैं 10 से हायर ले रहा हूं 12%, एंड अगेन फाइंड आउट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो। ओके, सो अभी 12% के साथ, ये जो हम लोग ने 10% से प्रोसीजर किया ना, अभी 12% के साथ करना है। सो यर कैश फ्लो, अभी यहाँ पर डिस्काउंट कितना लेना है, एट द रेट ऑफ 12%। सो आपको क्या मिलेगा, पीवी। सो यर कितना था, 1, 2, 3, 4, 5। यर वन का कैश फ्लो 22,000, सेकंड ईयर का 18,000, 14,000, 16,000 and 10,000। नाउ 12% कैसे करना है, 1/1 + r^2 सो 1/1 + r 12, सो 1/1.12 होगा। ओके, सो 1/1.12 करो, 1/1.12 0.893 है ना। सो हम लोग यहाँ पे फर्स्ट ईयर का 0.893, अभी सेकंड ईयर के लिए क्या करना है, इक्वल टू 0.797, इक्वल टू 0.712, इक्वल टू 0.636, इक्वल टू 0.567। आया समझ में? मल्टीप्लाई करना है और प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करना है, 19646, देन 14346, देन 9968, देन 10176 एंड 5670। सो टोटल ऑफ पीवी 59806। ओके, सो एनपीवी क्या होगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो माइनस इन्वेस्टमेंट।
सो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश फ्लो कितना आया 59806, इन्वेस्टमेंट कितना है 60,000, तो हमारा आंसर शॉर्टफॉल हुआ, दैट इज नेगेटिव में आंसर आया 194। इट मींस हमारा जो IRR है ओके वो कौन से रेट के बीच में आएगा, दैट इज 10% एंड 12%। ओके सो ऑलवेज याद रखना जो टू रेट आएगा ना, एक में एनपीवी पॉजिटिव आएगा, सेकंड रेट में एनपीवी नेगेटिव आएगा, सो इन बिटवीन हम लोग का IRR डिसाइड होगा। क्लियर? सो 10% पे पॉजिटिव एनपीवी आया, दैट इज पॉजिटिव अमाउंट 2518, एंड 12% पे नेगेटिव एनपीवी आ गया, दैट इज -194। ओके सो हियर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश फ्लो एट 12% इज लेस देन द इन्वेस्टमेंट, एंड लेस देन द इन्वेस्टमेंट। ओके दस द रियल और एग्जैक्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट लाइज बिटवीन 10% एंड द 12%। ओके सो एग्जैक्ट फाइंड आउट करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज होता है, तो मैंने आपको थियरी में समझाया था, दैट इज IRR इज इक्वल टू ए प्लस सी अपॉन सी प्लस डी इंटू बी माइनस ए, वेर ए इज वॉट लोअर रेट ऑफ डिस्काउंट, सी इज वॉट एक्सेस ऑफ प्रेजेंट वैल्यू, सी इज वॉट एक्सेस ऑफ प्रेजेंट वैल्यू, डी इज वॉट शॉर्टफॉल ऑफ प्रेजेंट वैल्यू, एंड बी इज वॉट हायर रेट ऑफ डिस्काउंट। ओके अभी हमारा 10% एंड 12%, सो लो कितना है 10, सो ए क्या बनेगा 10 प्लस सी इज वॉट एक्सेस ऑफ प्रेजेंट वैल्यू एट लोअर रेट, एक्सेस ऑफ प्रेजेंट वैल्यू एट लोअर रेट, सो लोअर रेट पर प्रेजेंट वैल्यू कितना आया 2518। ओके डिवाइडेड बाई सी 2518 प्लस का प्लस डी क्या इंडिकेट करता है शॉर्टफॉल ऑफ प्रेजेंट वैल्यू एट हायर रेट, सो हायर रेट पे शॉर्टफॉल कितना आया 194। तो यहां पे माइनस नहीं लेना है, डी इंडिकेट करता है शॉर्टफॉल, सो यहां पे 194 इंटू बी हायर रेट ऑफ डिस्काउंट 12 एंड माइनस ए 10, सो 10 का 10 प्लस 2518 डिवाइडेड बाई टोटल करेंगे तो टोटल आएगा 2718 इंटू 12 माइनस 10 2। ओके सो 10 प्लस आइदर और उसको डिवीजन करो इंटू 2 करना है, सो डायरेक्टली 2518 डिवाइडेड बाई 2718 ओके एंड इंटू 2 कर देना है, सो 1.86 आएगा, सॉरी 2712 है हाँ यहाँ पे 2712, सो 2518 डिवाइडेड बाई 2712 0.928 इंटू 2 कर देना है, सो 1.86 आया। इट मीन्स एडिशन किया सो IRR कितना आएगा 11.86%, बिकॉज ये रेट ऑफ डिस्काउंट परसेंटेज में है ना, सो लास्टली आंसर किस में आएगा परसेंटेज में। ओके सो उसका कंक्लूजन क्या हुआ, इट मीन्स एट डिस्काउंट रेट ऑफ 11.86% द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो और इन्वेस्टमेंट वुड बी इक्वल। ओके इन अदर वर्ड वी कैन से In other word, we can say
प्रोजेक्ट अर्न्स 11.86% रेट ऑफ रिटर्न। आयसन में कैसे सम्स किया? सो ट्रायल एंड एरर मेथड से एक कोई भी आर्बिटरी रेट ऑफ इंटरेस्ट और डिस्काउंट सिलेक्ट कर देना है, वो बेस पे प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना है, कंपेयर करना विद द इन्वेस्टमेंट। अगर प्रेजेंट वैल्यू हायर आया तो सम हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड करो, अगर प्रेजेंट वैल्यू लो आया तो सम लोअर रेट ऑफ डिस्काउंट सिलेक्ट करना है। ऐसा में सो हमारे केसेस में हायर आया 10% पे, सो हम लोग हायर रेट एज्यूम किया और 12% किया। सो अगेन 12% पे प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट किया, कंपेयर किया इन्वेस्टमेंट, तो ये प्रोसीजर चालू रहता है। सो ऑलवेज ट्रायल एंड एरर मेथड से 2 रेट ऑफ डिस्काउंट मिलता है, एक पे एनपीवी पॉजिटिव और एक पे एनपीवी नेगेटिव, एंड इन बिटवीन आपका IRR डिसाइड होगा। ऐसा में तो एक सम सा IRR का। ओके, बाय, टेक केयर।